हेलो जी, राम राम सभी को। कैसे हो आप सभी भाई? आप तो सब ठीक होंगे, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। मेरे ठंड लगी हुई है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। कल तो मेडिसिन भी लेके आई थी, लेकिन आराम नहीं हुआ है। आपको मेरी आवाज़ से समझ में आ रही होगी। अरे मनोज, देखो मेरे पीछे कैसे चुप रहा है। क्यों? मैं आपके पीछे पीछे रहूँगा। मैं इनको कहूँगा कि बूढ़िया भी लोग बना रही है। ये देखो बज रहे हैं, और हमारे साहब अभी नहीं आए। मैंने फ़ोन भी कर लिया भाई, 3 4 बार फ़ोन कर चुकी, फ़ोन भी अटेंड नहीं कर रहे। पता नहीं आने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं, या फिर क्या सीन है भाई, पता ही नहीं। टेंशन भी हो रही थोड़ी सी, ना तो फ़ोन उठा रहे ना आए अभी तक। फोन आ जाते हैं क्योंकि वो 6 बजे ड्यूटी से छूटते हैं ना, तो पहुँच जाते हैं गुड़गांव से यहाँ 1.5 घंटे के अंदर आराम। लास्ट ये समझो 7:30 8 बजे तक पहुँच जाते हैं, बट फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रहे। अगर फ़ोन रिसीव करे उसके बाद तो ये हो जाए कि हाँ चलो ठीक है, आ जाएंगे। एवरीवन कितने प्यारे प्यारे मोर घूम रहे हैं ऊपर। और अभी जैसे मैं ऊपर जाऊंगी नहीं, उड़ जाएंगे। ये देखो ऊपर जाते ही उड़ जाते हैं, छत पे घूमते रहेंगे यूं। ये हमारे साहब आ गए हैं जी। डैड होगी, मैं फोन कर रही हूँ, आप फोन आउट। भाई आ गए हमारे साहब, लेकिन स्कूटी हो गई थी डैड इनकी, और फोन इसलिए नहीं उठा रहे थे कि स्कूटी पैदल पैदल लेकर आए। लेकिन ज्यादा दूरी पर नहीं हुई थी, यही हुई है ये समझो, 10 मीटर है। अब लगाइए अपनी दमनो चार्ज। वहां ध्यान दिया नहीं होगा, चार्ज लगाई नहीं स्कूटी और बस हो गई डैडी। और ये तो शुक्र मानो इतनी दूर से आए, कहीं रास्ते में हो जाते तो फिर फालतू में वहीं ऐसे दिन खराब होता है। सर ज्यादा नहीं, 200 मीटर से लाया हूँ खींच के। हेलो एवरीवन, मैं अब काम से फ्री होकर अब आई हूँ प्लॉट में, क्योंकि और दिन तो टाइम मिलता नहीं प्लॉट में आने का। दिन में तो आज टाइम मिला था, तो मैं इनके अब चलती हूँ प्लॉट में। ये हमारी भैंस तो इधर बनती है, तो भैंस अंदर अंदर बांध दिए, और ये हमारा प्लॉट है। और प्लॉट के आगे देखिए कितनी अच्छी हरी भरी फसल है, ये सरसों खड़ी हुई है, चारों तरफ हरियाली हरियाली है। और अब हम जा रहे हैं खेत में, कासनी लेके आती हूँ मैं, तो कासनी लेने के लिए जा रहे हैं। अब हम मिलते हैं फिर खेत में जाके, घर वाले देखते हैं अंदर क्या कर रहे हैं। कॉफी पियो कॉफी। दूध ना है और जुगाड़ू क्या कर रहा है ये? ओ प्रियंका, आपकी आंख ने किसको लगी? ये तो नीली हो रही है इस टाइम की, क्या दे? ये तो बहुत ज्यादा नीली हो रही, पटाओ की मारी इसने ना। तो इनसे मिलो, भाई आज पियेंगे कॉफी, स्पेशली चाय की जगह कॉफी लेंगे। तुम तो पियो, तुम पियो प्रियंका, प्रियंका तू पियो कॉफी, डेढ़ कप, डेढ़ कप प्रियंका, तुम पियोगे डेढ़ कप, और एक कप मैं भी पीऊंगा भाई, एक कप रेखा, एक कप मम्मी तू पियोगी, पी ले आ जाओ चाय पी लो कॉफी। भाई चाय में अभी उबाल नहीं आया, अभी कुछ लोगों के लिए चाय बन रही है, जैसे चाय कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद कॉफी बनाई जाएगी, ठीक है? और अपन तो ना चाय पीते ना कॉफी पीते, इनको चाहिए भाई, अपन तो जो मिल जाए वो पी लेते हैं। चाय कम पीता हूँ, वैसे कॉफी कभी कभी पीता हूँ। और हमारे बच्चे देखो पीछे, कल से एग्जाम, इनका हाफ फेयर लेकर कैसे खेल रहे, अपने बैट बॉल बजा रहे। बच्चा बहुत पढ़ा है, सुबह से बहुत याद कर रहा है। मम्मी दिखाओ दिखाओ, एक दिन में 24 घंटा हो गए। कॉफी नहीं पीती मैं, चाय पीऊंगा अपने लिए कॉफी बनवा सकूं। भाई मम्मी को चाय पसंद है, मम्मी चाय पीती है और कॉफी हम कभी कभी पी लेते हैं यार, कभी कभी। बाकी तो चाय तो मैं पीता नहीं हूँ, कॉफी कभी कभी ले लेते हैं।
बाकी तो अपने सिंपल सब्जी और मम्मी तो दोनों टाइम चाय पी है। मम्मी दोनों टाइम चाय लेती है। पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, तो चाय तो पीनी पड़ेगी। बता हाथ से तैर कर हाथ का दर्द चला जावे, बता रहा गाय जी का हाथ। मतलब हमने तो ये सुनी है, हाँ बोल के चाय से ज्यादा और वीकनेस लेके आती है वो, तो उसके अंदर कैफीन होता है। ठीक है, तो हम निकलते चाय अपने सुबह सुबह उठ के योगा आज हमारे भैंस लान गए, फिर हम दूध पिया करेंगे चाय ना दो। हाँ ये बात सही है, मैं दूध पिया करो बाबा की दया है। हमारी भैंस दूध ना दे रही थी तो भाई दूसरी भैंस लेने के लिए गए भाई, एक भैंस और लेके आएंगे क्योंकि अब दूध क्या है इसने देना बंद कर दिया है। सर्दी का टाइम है, अभी क्या है बच्चों को फिर दूध चाहिए, दही चाहिए, सब चीज चाहिए, तो सभी के लिए परिवार को सबको दूध की दही की आवश्यकता होती है, इसलिए हम एक भैंस और लेकर आएंगे। अब मम्मी की चाय आ गई है, अब मम्मी लगी चाय की चस्की। चाय लो, चाय हम भी पियो, हम भी पियोगे जल्दी। हाँ ऐसे नहीं, चून मिला के होगी लास्ट मिला, अब मेरी कॉफी बना दे। पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट, मैं है टिक गई इतनी प्रियांग है ना, इसमें शॉट मार देता अच्छा बढ़िया। ये मनोज बॉलर है, इसका पापा बैट पे टिकी हो तो। ओ अरे मनु थोड़ी सी बच गई, कैच कर ले तो। अब बहुत तेज ठंड लग रही है मेरे तो, और मैं बना रही हूँ कॉफी साग के लिए, उनको कॉफी चाहिए। मम्मी यहाँ तो सब चाय पी रहे थे, मैं कॉफी बढ़ा रही हूँ इनकी। देखो ये गैस के ऊपर चढ़ा रखा है दूध, और ये है कॉफी का पाउच, और अब मैं इनकी कॉफी बढ़ा देती हूँ। मेरी तबीयत हुई नहीं है सही भाई, उल्टी हुई हूँ बिल्कुल। कॉफी बना के दे दो, फिर जाके खेत के अंदर कासन लेके आनी। कॉफी बन गई भाई इनकी, और देखो रखी है कॉफी बना के इनकी, और अब मैं दूध देती हूँ। लो बंद करो इसे, पी लो जल्दी, फिर चलेंगे, लेट हो जा, मारो काकी। अब बहुत जोर का खिलार बन रहे हैं ये लोग। आ भाई पंडित जी ने राग रखी पापा, रेखा के हाथ की कॉफी पी के देखते हैं कैसे बनेगी। पापा कैच की राग रखी इनका, देखो ये छोरा सही कह रहा। प्रियंक भाई उड़ा एक बार, प्रियंक एक बार मेरे पास सुन, जैसे तूने प्रियंक बस जैसे मेरे तेरे बात हुई थी, बात हुई थी ना भाई, वन टिप नहीं है मेरी, ये प्रियंक ये तनु चीटिंग कर रहा है ना, क्योंकि वन टिप के लिए हमने मना कर दिया था, हमने बोला क्या तेरी बात कही थी, मैंने कुछ ना था मेरे बज्जी को, बज्जी तो बज्जी को यहां कोई आ जा बेटा, बॉलिंग कर तू। प्रियंक ने सबसे अच्छी बैटिंग करी। कौन चीटिंग कर रहा था प्रियंक, चीटिंग कौन कर रहा था? आपका बेटा तनुज। प्रियंक तनुज, प्रियंक ने मारा जब पापा कैच करवाया तो जब मेरे पापा का हाथ तो छूट गई थी, जब पूरा तो हां पापा हाथ में लीजी ये छूट गई थी। रेवड़ी खेल लो, रेवड़ी मत बखेरो, नाक ने तोड़ के धर दिया कर सिन पे नहीं हो सारे दिन सोए सो। अब क्या एने मारो फिर उड़े तो बुखार पकड़े तो आपका हाथ मार के छूट गई। अरे यार तू डर दे ने ना बजी लूंगा हम दोनों। समझ गो, सबसे बड़ी बैटिंग करी प्रियांक, तेरे से इतनी गलती हुई समझ, आप समझ गो, समझ गो, समझ गो, समझ गो। ला ला ला
सबसे बदमाश है छोरो, भगवान का किरकाट सु छोरो, सबसे बदमाश है यो। अब भजन मत कर बैठ के चले। चलो भाई कासने लेके आते हैं। ओला तो मान जाओ पिटो बदी उठा रखी है बाल करने भगवान ने मार दिया बाकी कती हम जा रहा है फोड़ेगी के फूटेगी देख ला हम थार से कह रहे हैं ना उठा के रखवा दो भाई। ये हमारा प्लॉट का पीछे का दृश्य मैं आपको दिखा देती हूँ। ये भाई हमारा गंडासा है भैंस का, ये भैंस की कुट्टी उट्टी रख रखी है, एक तो वहाँ उधर जो छप्पर बोलता है उसमें भर रखी है हमने, और कुछ ये बात बाकी जो बची हुई है मतलब यहाँ पे ढक रखी हूँ, बारिश आई थी ना तो बारिश की वजह से यहाँ पे ढक दी थी। और ये हमारे लेट बाथ है भाई, ये हमारी वॉशिंग मशीन रखी है, ये लेटरिन बाथरूम है, प्लॉट में भी लेटरिन बाथरूम बना रखे हैं, इसी में ही है दोनों पोर्सन, मतलब ये लेटरिन है और इधर से ये बाथरूम है, तो यहाँ भी लेटरिन बाथरूम बना रखे हैं क्योंकि डिवाइड कर रखा है पोर्शन हमने प्लॉट का ना, जैसे बीच में से देखो ये वाला इस तरीके से डंडा देकर छोटा गेट लगा रखा है, उधर की तरफ हमारी भैंस रहती है और ये रहते हैं रूम भी है ये, और इधर की तरफ ये हमारे ईंधन है सारे, पूरा बंदोबस्त यहीं पे ही, चूल्हा चाकी सब है, गैस चूल्हा सब देखो, ये सारा ईंधन पड़ा है ये रहा। और ये क्या नाम है, नींबू का पेड़ है, नींबू भी लग रहे हैं इसमें, बढ़िया नींबू है ये रहे, नींबू भी लग रहे हैं खेत में, ये देखो तीनों। और ये मान नहीं रहा था, रास्ता भी बेकार है, मैं कहीं पटक वटक दोगे, मैंने तो वैसे ही डर लगा है स्कूटी के ऊपर, थोड़ा फोन बहुत रुपया को मैंने पटक दी। तीनों जा रहे हैं भाई खेत में कासनी लेके आते हैं और दिखाते हैं आपको सरसों गेहूं कासनी। तो ड्राइवर साहब आप सीधा आके ध्यान दो, हमने पटक वटक मत दियो कहीं, यही हमारी कासनी आ जाए पता चले घर वाला आ रहा है घर तो हमने उठा। ना ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, नहीं। कमी भरोसा है आप पे। हाँ भगवान की दया से करेगी नहीं लुढ़क जाएगी, बस और ही खड़ी करनी है ना। ये रास्ता है देखो कैसे गड्ढे वड्ढे से, इसके ऊपर तीन तीन उठा के चल रहा है, मैं मना कर रही हूँ रहने दो आप।